देखिए, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएं कि आप कैसे जो है पटना का जो है किसी भी राज्य हो या फिर कहीं का भी जो है, आप अगर चाहते हैं कि अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरना, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, तो अपने ये जो ज़मीन बना है, ज़मीन के ऊपर जो घर बनाया है, तो उस घर का जो नगर निगम का टैक्स होता है वो भी आप ऑनलाइन कैसे पेमेंट करेंगे, यही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, एक एक स्टेप बारीकी से समझिएगा, उससे जो है आपको आसानी होगा जो है सब कुछ समझने में। चलिए, तो सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे टाइप करना है पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और लिखा रहेगा पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आसानी से आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उस पर जाना है और नीचे कहीं नहीं जाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर इसका लिंक चाहिए तो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है और इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। एकदम इजी वे में मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ पे प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, तो पे प्रॉपर्टी टैक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। अब आपके समझ में आ रहा हो कि सर इतना सारा में और करके लिखा हो, किसी एक डे या फिर पूरा डे, ये प्रॉब्लम्स होता है। तो देखिए, इसमें जितना ज़्यादा डिटेल आप डालेंगे उतना आसानी होगा आपको अपना जो है खोजने में। जैसे मान लीजिए पहला में प्रॉपर्टी नंबर, अगर आपके पास प्रॉपर्टी नंबर है तो वहाँ पे जरूर डालें। एस ए नंबर, अगर आपके पास एस ए नंबर है, आपके रसीद में होगा, आप वहाँ पर रसीद पे जाके देखेंगे तो ऊपर के कोना में आपको देखने के लिए मिलेगा एस ए नंबर, तो अगर आपके पास वो है तो वो भी डालें। आपके पास इसके बाद जो है सर्किल नेम, सर्किल नेम का मतलब किस आप नगर निगम क्षेत्र से आते हैं उसको कहते हैं। तो अगर आप जिसमें भी हो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, जैसे हम कंकड़बाग से सेलेक्ट कर लेते हैं। वार्ड नंबर, आप जैसे कि वोटिंग करते हैं तो लिखाता है वार्ड नंबर 32 34 36 38 40, 1 2 4, तो आपका जो भी वार्ड में आपका जमीन है, आपने आपका जमीन जिस वार्ड में है उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका कहते हैं न्यू होल्डिंग नंबर। अगर आपके पास होल्डिंग नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो इतना से काम चला सकते हैं। अब या ऑनर नेम, या फिर जैसे ऑनर नेम, अगर मान लें कि आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है तो नाम तो होगा, उस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यानी कि आपको तीन काम करना होगा, पहला नाम सर्किल नेम चूज कर लीजिए, वार्ड नंबर चेंज कर लीजिए, और नाम डाल के आप आराम से कर सकते हैं। जैसे हम डालकर दिखाते हैं, अब देखिए मैंने एक नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, शकुंतला देवी मान लीजिए, इस नाम को हम सर्च करते हैं। जब नाम को सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि उस नाम से उस वार्ड में जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे लोगों का जो है लिस्ट आ जाएगा आपके सामने। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा जो है वार्ड नंबर 32 ही है, और यहाँ सर्किल जो है कंकड़बाग ही है, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑनर नेम सबका सेम ही है। अब आपको इसमें से देख लेना है कि आपका ओरिजिनल कौन सा है, और उसके बाद आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल वाला देख लेते हैं कि कौन सा वाला आपका है। तो अगर ये खोलेंगे तो आपको देखिए चीज और भी मिल जाएगा, यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर या एस ए नंबर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए मान लीजिए आपका इसमें से मान लीजिए कोई भी एक ले लेते हैं, मान लीजिए आपका ये ही है, तो हम इस पर क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से खुलेगा और उससे पता चलेगा कि आपका टैक्स कब तक बाकी है या फिर नहीं है या फिर पेड हो चुका है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज नो डिमांडेड ड्यूज, इसका मतलब कि इनका जो है डिमांडेड ड्यूज नहीं है। अगर आपका रहेगा तो यहाँ पे जो है क्या, अगर आपका ड्यूज रहेगा तो पहला तो ये चीज़ खुलेगा। देखिए सबसे पहले यही लिख देगा, जैसे ही आपका ड्यूज होगा तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर ऑफ नोट द फील्ड एंड द प्रॉपर्टी फील्ड एसोसिएशन एंड प्रो द पेमेंट। तो अगर आपका पहले की तरह अगर उस तरह का रहेगा तो समझे कि आपका ड्यूज नहीं है, अगर इस तरह का कर दिया तो समझे ड्यूज है। देखिए फाइल असिस्टेंट पर क्लिक करिएगा,
अब यहाँ पे नो चेंज पे क्लिक कर दीजिएगा, नो चेंज पे यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपके सामने टोटल के टोटल आपका डिटेल खुलकर सामने आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको देखना है कि आपका कितना पेमेंट देना है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा करेंट डिटेल में। करेंट डिटेल में आपको यहाँ पे देखने के लिए एनुअल टैक्स कितना लग रहा है और एनुअल रिटर्न वैल्यू आपको इतना है, तो टोटल आपको देखने के लिए मिल गया। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आप, जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो नीचे में आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पे प्रॉपर्टी टैक्स, कितना टैक्स जमा करना वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देखिए टोटल इस मंथ में क्या है। अब यहाँ पे जो है दो है, डाउनलोड SAS फॉर्म या फिर डिमांड प्रिंट। तो हम लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना, तो यहाँ पे लिखा हुआ पे प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन, जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सामने देखिए मिल गया कि 1000 जो है रुपया आपके सामने पेवेबल करना है, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है और यहाँ पे प्रोसेस पे ऑनलाइन यूजिंग SBI गेटवे इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब क्या होगा, इसके बाद आप देखिए डेबिट कार्ड से कर सकते हैं यहाँ पे पेमेंट, उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI पे से कर सकते हैं, निफ्ट या फिर SY ब्रांच पेमेंट भी कर सकते हैं। तो चूँकि हमको करना सबसे आसान UPI होता है, तो UPI पे क्लिक करेंगे। अब UPI पे यहाँ देखिए यहाँ पे क्या करना है कि इंटर योर यूजर UPI ID या फिर UPI QR, तो आसान रहेगा कि आप UPI कोड का सेलेक्ट करें। अब इस पर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या करो, पे नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने QR कोड खुल के सामने आ जाएगा। अब देखिए इस तरह से पेमेंट का जो स्लिप है वो सामने आपका SBI UPI सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल यूज करना है, पेटीएम हो या फिर कुछ भी हो, उन सभी में से किसी से भी जो है आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप अपना जो है रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम पेमेंट करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें होता है। और जब ऑनलाइन पे कर देंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट सक्सेसफुल लिखेगा और एप्लीकेशन नंबर दे देगा, PID नंबर दे देगा और रिसिप्ट नंबर दे देगा और अमाउंट जो है कितना पे किया वो किया। तो उसके बाद जो है नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है आपका जो रिसिप्ट होगा वो तैयार होकर आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब इसको जो है जिनका है उनको भेज सकते हैं, आपका है तो खुद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है आप आसानी से किसी का भी पेमेंट आप अपने घर पे बैठे बैठे जो है पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर हो जाए कहीं का भी हो वो कर सकते हैं। तो बताइए हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर और भी इसी तरह का कोई समस्या वाला अगर आपके पास है तो आप हमें कॉमेंट्स करें, हम उसकी समस्याओं को दूर करके आपको एकदम फ्रेश बनाकर आपको बताएंगे कि कैसे इसको किया जाता है। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और नहीं तो इसको सेव भी कर सकते हैं, हम इसको कर लेते हैं सेव। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।